हेलो एवरीवन, वेलकम टू द साईकैड सेंटर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉलिडवर्क्स में स्केच कवर करेंगे। देन हमारे पास ऑप्शन है स्लॉट की। तो स्लॉट में हमारे पास चार टाइप्स हैं। स्लॉट में है फर्स्ट स्ट्रेट स्लॉट, देन सेंटर स्लॉट है, देन हमारे पास थ्री पॉइंट आर्क है, देन सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट है। तो फर्स्ट, तो इसमें हम दो पॉइंट डिफाइन करेंगे और उसके बाद जो है इसका रेडियस डिफाइन करेंगे। देन जो सेकेंड है हमारे पास वो सेंटर पॉइंट है, उसमें सेंटर डिफाइन करेंगे, उसके बाद अदर साइड एंड रेडियस डिफाइन कर देंगे यहाँ से। उसके बाद एड डायमेंशन की भी ऑप्शन है, तो अभी एड डायमेंशन के साथ इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डायमेंशन साथ में क्रिएट हो जाएंगी। देन हमारे पास है थ्री पॉइंट आर्क, तो इसमें हमें आर्क एक डिफाइन करनी है थ्री पॉइंट, उसके बाद जो है स्लॉट का रेडियस डिफाइन करना है। देन हमारे पास अभी जो लास्ट ऑप्शन है वो सेंटर पॉइंट के साथ है, तो सेंटर डिफाइन करेंगे, स्टार्ट डिफाइन करेंगे, एंड डिफाइन करेंगे और रेडियस यहाँ से डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा स्लॉट ऑप्शन है। तो इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं वो यहाँ से डिफाइन किए जा सकते हैं, जैसे कितनी लेंथ रखनी है, कितना इसका डाया रखना है, वो सब चीज़ें यहाँ से डिफाइन की जा सकती हैं। तो ये हमारा स्लॉट कमांड है। देन हमारे पास जो है सर्कल्स हैं, तो सर्कल में हमारे पास फर्स्ट है सिंपल सर्कल, सेकंड पैरामीटर है, तो सर्कल सेलेक्ट करते हैं। तो सर्कल में जैसे सेंटर पहले डिफाइन करना है, उसके बाद आपको डायामीटर डिफाइन करना है। अगर आप चाहते हैं ये डाया ना हो, रेडियस हो, तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन है डायामीटर डायमेंशन, ये हटा देंगे तो अब ये रेडियस आएगा। पर इसको हटाने से पहले जब आप सर्कल लेते हैं तो उसी टाइम आपको ये डिफाइन करना है। तो जैसे अभी रेडियस टाइप लेन है तो इसमें रेडियस डिफाइन करना है, जैसे 20 रेडियस डिफाइन करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो है थ्री पॉइंट, ये इसमें पैरामीटर सर्कल इसको बोलते हैं। जैसे हमारे पास कोई तीन पॉइंट अवेलेबल हैं तो आपको तीन पॉइंट डिफाइन करने हैं। जैसे एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर मैं बनाना चाहता हूँ इसको। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे भी मैं ऑप्शन ले रहा हूँ तो इसमें एड डायमेंशन ऑन है, इसीलिए डायमेंशन चेंज के लिए डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी थ्री पॉइंट या पैरामीटर सर्कल यूज करते हैं, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, या ऐसे थर्ड पॉइंट ले सकते हैं। तो ये हमारा जो सर्कल है पैरामीटर टाइप है। देन हमारे पास आर्क्स हैं, तो आर्क के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन हैं अगेन। तो आर्क सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट है हमारे पास सेंटर पॉइंट आर्क, सेकेंड है टेंजेंट आर्क, थर्ड है थ्री पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट आर्क में आपको पहले सेंटर डिफाइन करना है, उसके बाद स्टार्ट, उसके बाद एंड। तो ये हमारे पास आर्क लग जाएगी। आप इसको फुली डिफाइन करने के लिए आपको डायमेंशन अप्लाई करनी है अगेन, रेडियस और उसका स्टार्ट और एंड। देन हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो है टेंजेंट, उससे पहले हम थ्री पॉइंट आर्क कवर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्टार्ट एंड, एंड जो मिड पॉइंट है या रेडियस है वो डिफाइन करेंगे। तो इसमें ये हमारा थ्री पॉइंट आर्क है। देन हमारे पास जो है टेंजेंट आर्क है, तो इसमें जिस ऑब्जेक्ट के साथ टेंजेंट करना है वो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेकंड पॉइंट उसका डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा टेंजेंट आर्क है। तो आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूअस चलती है टेंजेंसी, आप ऐसे बना सकते हैं। तो ये थी आर्क्स। उसके बाद हमारे पास है पॉलीगन। तो पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स पे बात होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो पैरामीटर है उसमें नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो कितनी साइड्स आपको चाहिए। तो मिनिमम हमारे पास थ्री साइड्स होनी चाहिए। अगर आप टू रखते हैं तो ये नहीं उठाता है, थ्री बाय डिफॉल्ट आ जाता है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन हायर वैल्यू डालते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट इसकी डिफाइंड है, मिनिमम थ्री है, मैक्सिमम 40 साइड्स हो सकती है। तो अभी हम एक पेंटागन बनाएंगे, तो फाइव साइड, उसमें दो ऑप्शन है, इनस्क्राइब्ड सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। तो फर्स्ट इनस्क्राइब क्या होगा, तो जैसे हम सेंटर डिफाइन करें और एक पॉइंट पे क्लिक करते हैं, तो इनस्क्राइब का मतलब है जो भी आप डाया डिफाइन करेंगे वो इनसाइड का, मतलब जो इस जो पॉलीगन बनेगा उसमें जो भी वैल्यू दोगे उसके अंदर की, उसके एजिस की वैल्यू होगी। जैसे मैं 200 डिफाइन करता हूँ तो एक सर्कल डिफाइन करेगा और सर्कल जो है टेंजेंट होगा उसकी लाइंस के साथ। और अगर सर्कमस्क्राइब की बात करें तो उसमें जो सर्कल है वो पॉइंट्स पे आएगा, एजिस वर्टेक्स
वर्टिसेस पे आएगा। पहले जो था वो एजिस पे टच हो रहा है, एजिस पे टेंजेंट है, सेकंड में जो है ये कॉन्सिडेंट है वर्टिसेस पे। तो ये डिफरेंस है इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब में। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में ही आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।